हेलो एवरीवान दिस इज हरकीरत सिंह फ्रॉम यू एलो एजुकेशन हेड ऑफिस मोगा वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग लाइव क्लास एंड ऐसी हम अब हर रोज करा रहेंगे शाम को सात बजे के अराउंड यू विल वॉच दीज काइंड ऑफ लाइव सेशन एवरी डे नॉन स्टॉप और आयल्स आयल्स एक ऐसा टेस्ट है पंजाब में इंडिया में अगर बात करूं तो बच्चे क्यूरियस रहते हैं कि कैसे हम इस टेस्ट को क्लियर करें कैसे वो डिजायर्ड बैंड स्कोर जो बैंड स्कोर हमें रिक्वायर्ड है अपना फॉरन जाने के लिए बाहरले मुल्क में जा पढ़ाई करने के लिए जो हमें बैंड स्कोर्स रिक्वायर्ड हैं उन बैंड स्कोर्स को हम कैसे अच्छे से अचीव कर पाए तो यूएलओ एजुकेशन हमेशा तत्पर रहता है आपकी सेवा में आपको मजबूत करने में ताकि आपके अच्छे बैंड स्कोर आ पाए और आपको अच्छा हम रिजल्ट लेके दें हम इस तरीके की लाइव सेशंस आपके लिए करते हैं आपको मैं खुद पर्सनली इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाई करवाता हूं पढ़ाता हूं आज के लाइव सेशन में मेरे साथ बने रहिए हम बात करेंगे आज के लाइव सेशन में रीडिंग की स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है रीडिंग रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर आज का हमारा ये सेशन रहेगा आपको ध्यान से अगर मन से आपको पढ़ाई करनी है जुड़ना है आज के लाइव सेशन में आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है अगर आपके मन में कोई भी कोई भी सवाल आता है जिसके लिए आपको पर समझ नहीं आया कोई डाउट है कोई क्लियर नहीं हुआ कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो सवाल मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि मैं हर बच्चे का आंसर आपको कर पाऊं तो बने रहिए इस लाइव वीडियो में मेरी आवाज ठीक आ रही है नवजोत कौर ओके यू हैव एग्जाम ऑन जून सिक्सटीन गुड इवनिंग रुदार वेरी गुड इवनिंग सो सात सेवन स्टूडेंट्स आर नाउ all right so let's do one thing two minute two uh, minute ke liye wait karte and uh, i'll share this video in ulo groups as well so that our ulo students can join this session they can get the maximum benefit the maximum benefit that we can provide to all our students so bane is live video so that we can empower each other ek dusre ko empower and we bring out more and more and more value to each other's life अगर आपके मन में कोई भी सवाल है काइंडली काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन जो भी स्टूडेंट यूएलओ से हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर अपने सवाल पूछिए जो जो भी डाउट है आपको आज बात करेंगे रीडिंग की बहुत डिमांड आती है सर रीडिंग की क्लास लगवाओ रीडिंग समझ में नहीं आती रीडिंग का पता नहीं चलता क्या हो रहा है तो आज रीडिंग के बारे में दोस्तों हम इस लाइव सेशन में आपके साथ बात करेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रीडिंग एंड राइटिंग टास्क टू आज हम डिस्कस करने वाले हैं आई होप वॉइस इज़ रियली क्लियर मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको साफ आ रही है मेरी वीडियो आपको दिखाई दे रही है ताकि हम जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट कर पाए रीडिंग का पैसेज जो भी आज हम करेंगे उसको मैं आपकी आपके साथ आपकी स्क्रीन के देखना टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है एंड देन फिगर आउट कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस हैं जो भी सवाल होंगे जो भी सवाल मैं आपको कराऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट जो भी सवाल आते हैं हमको IELTS की reading में, जो सवाल है, क्वेश्चंस बेसिकली उसकी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी क्या होती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका क्या सलीका होता है दिस इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इन आयल्स रीडिंग बच्चे बहुत बार गलती करते हैं कभी पैसेज पढ़ते हैं कभी क्वेश्चंस पढ़ते हैं कभी क्वेश्चन के कीवर्ड्स देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे मिलेगा और उसके हिसाब से मुझे आंसर मिल जाए तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी स्टूडेंट अक्सर मैंने करते देखे हैं ड्यूरिंग माई करियर ऑफ आयल्स कोचिंग तो आज कई सारे डाउट्स कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिए अपने डिमांड्स रख सकते हो मेरा नंबर है एट टू थ्री डबल जीरो जो स्टूडेंट्स मोगा से हैं धर्मकोट से हैं मोगा में हमारे दो ऑफिस हैं एक हेड ऑफिस है एक ब्रांच एंड धर्मकोट ब्रांच ऑफिस है जो इस एरिया से बच्चे हैं वो हमारे साथ यूएलओ एजुकेशन में ऑफलाइन आके ऑफिस आके भी पढ़ाई कर सकते हैं टू गेन द मैक्सिमम दैट वी ऑफर टू ऑल द स्टूडेंट्स

जब आप सवाल पूछोगे तो कीप आस्किंग क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपका होता रहेगा क्योंकि मेरा फर्ज है मेरी ड्यूटी है कोशिश करता हूं और करता रहूंगा ठीक है मैं अभी आपके सामने आज की क्लास का सेशन आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेयर करता हूं एंड यू सी वॉट टॉपिक इज जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं एंड विल सी हमारा आज का टॉपिक क्या है आई होप यू कैन सी स्क्रीन नाउ आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे इसको थोड़ा सा बड़े करने की कोशिश करता हूँ क्लियर की आपके लिए क्लियर है अजय कुमार गड थैंक यू जानवी मेर आई फाइंड लोकेशन बट नॉट फाइंड करेक्ट आंसर ठीक है आपको लोकेशन मिल रही है आंसर की लेकिन आपको करेक्ट आंसर नहीं पता रविंदर सिंह सिविया वेरी गुड इवनिंग रविंदर सिंह जी ओके प्रॉब्लम ओके जो स्टूडेंट्स यूएलओ से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दैट दिस आई एम योर नेम अपना नाम बता के दैट यू आर फ्रॉम यूएलओ बिकॉज़ यूएल बड़ी जरूरी है मुझे पता चलना चाहिए जब मैं आपको इंस्टीट्यूट में मिलूं आपको किसी भी ब्रांच में मिलूं आई शुड नो दैट वो कौन से स्टूडेंट है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यूएलओ के हर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इवेंट्स में सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हु यू यू आर आर एंड वेयर फ्रॉम अमनदीप वेरी गुड इवनिंग अमनदीप जी आई होप दैट जो पैसेज में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई फील दैट एंड अब मैं आपको जितना बड़ा करके दिखा उतना अच्छा सो दिन बी वेरी क्लियर एंड चलते हैं कोमलप्रीत कौर फ्रॉम यूर एजुकेशन ओके ब्रिलियंट डेली शाम को सात बजे लाइव करने की कोशिश करेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ जो आयल सभी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करना है आज की वीडियो शेयर करनी है रीडिंग आज रीडिंग करेंगे एक पैसेज करेंगे उसके बाद टास्क टू की भी बात करेंगे कमल जोत कौर फ्रॉम यूर एजुकेशन ओके जानवी मेहरा फ्रॉम नवा शहर ओके रविंदर सिंह फ्रॉम योर एजुकेशन ओके रविंदर ऑसम ऑसम ब्रिलियंट सो रीडिंग वेरी विल ट्राई टू सॉल्व दिस रीडिंग की क्या आज की हमारी रीडिंग है मैं कॉमेंट सेक्शन एक्टिवली देख रहा हूँ जो भी आपका आपका आंसर होगा अगर आपको लगता है रीडिंग सॉल्व करते टाइम जो भी आपको लगता है ये है ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में पहले अपने आंसर बताओगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्वेश्चन डिटेल में कैसे लोकेशन ढूंढी कैसे लोकेशन से आंसर ढूंढा आंसर ढूंढ के कैसे अशोर किया कि ये आंसर है एंड फॉर्मुलाज अजय फ्रॉम यू एलो ऑल राइट अजय जी सो so, गुरु जी फ्लैक्स जो हमारे मेजर मार्केटर्स हैं पंजाब में मोगा में शन सो एनी अगर आपको कोई भी मार्केटिंग करवानी हो सो गुरु जी फ्लेक्स इज द्लेस इन मोगा टिजेंस आंट इंटेलिजेंस आंट क्या होती है पहले तो ये चीज को समझो टॉपिक जब भी आप रीडिंग करते हो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टॉपिक बड़े ध्यान से समझना है पूरा बेसिक आपको टॉपिक को समझना होगा कि हमारा टॉपिक है क्या आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि फटाफट क्वेश्चंस पे आ गए फटाफट ये चीजें समझने लग गए लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द रीडिंग रीडिंग का टॉपिक है आंट इंटेलिजेंस मतलब कि की कीड़िया आंट इज कीड़ियां इंटेलिजेंस मतलब होशियारी मतलब कितनी होशियार होती है आंट मतलब कीड़ियां कितना होशियार होती है उनके दिमाग के ऊपर उनकी होशियारी के ऊपर उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर यह पैसेज है एंड दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द टॉपिक अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आज मैं जो रीडिंग करवा रहा हूं जिस तरीके से रीडिंग करवा रहा हूं वो तो इस तरीके से करा रहा हूं कि आपको बेस से उठाऊंगा जीरो से उठाने की कोशिश करूंगा जैसे कोई स्टूडेंट आज पहली बार आएस की क्लास में आया है जीरो से उठा के हंड्रेड तक लेके जाने की कोशिश करूंगा द मैक्सिमम वैल्यू दैट आई कैन प्रोवाइड फ्रॉम माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें हमारे इन लाइव सेशंस के बारे में अगर आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे सेशंस करें उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बात करिए अपने दोस्तों के साथ जो आय्स कर रहे हैं उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए ताकि हम यूएलओ के मिशन को सपोर्ट कर पाए मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हो पिछले चार पांच साल से आप लोगों ने साथ दिया मेरी टीम ने साथ दिया और शेयर करके हमारे स्टूडेंट्स भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं सो आर्ट इंटेलिजेंस इज द टॉपिक सबसे पहले जब कोई बच्चा आयल्स करता है उसको रीडिंग के बारे में पता चलता है तो दे, वो देखते हैं कि क्या टॉपिक है टॉपिक देख लिया आर्ट इंटेलिजेंस आज का टॉपिक है फिर वो कर, कहते हैं कि पहले पैसेज पढ़ना चाहिए या पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए तो देर इज अ क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले हमने पैसेज पढ़ना है या आप हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए जब आप कोई पैसेज पढ़ोगे मैं ये नहीं कह रहा कि सही स्ट्रैटी क्या है देर इज नो रॉन्ग स्ट्रैटेजी कभी भी कोई चीज सीख रहे हो चाहे वो जब भाषा सीख रहे हो लैंग्वेज सीख रहे हो कभी भी कोई स्ट्रैटेजी गलत या सही नहीं होती कोई स्ट्रैटेजी इजी या डिफिकल्ट हो सकती है ये चीज़ दिमाग में बैठा लो मैं क्या बोल रहा हूं कोई भी स्ट्रेटजी कभी कोई लैंग्वेज को सीखने के टाइम गलत या सही स्ट्रेटजी नहीं होती स्ट्रेटजीज़ इज़ी या डिफिकल्ट जरूर हो सकती है राइट right? उसके बाद मिनवीर बुराड वेरी गुड गुड इवनिंग जी उसके बाद हम देखते हैं जब हमारे पास पैसेजेस हैं नाउ वी को पढ़ेंगे अब अब से क्या इजी है डिफिकल्ट है इसको भी देखना तो पड़ेगा समझना तो पड़ेगा सो हाउ डू वी फिगर आउट दैट इफ इट इज इजी और डिफिकल्ट विच इज राइट और रॉन्ग ठीक है तो लेट्स फिगर इट आउट जब आप कोई रीडिंग कर रहे हो आप रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपको पैसेज पढ़ना चाहिए आप पहले आपने पैसेज पढ़ना पढ़ने की कोशिश की एंड पैसेज में आपको पता चला कि आप पैसेज पढ़ो जैसे यहाँ एंड मॉन्स ठीक है तो ऐसे हमने आपने, आपने एक लाइन को पढ़ लिया वेरी गुड इवनिंग हरप्रीत कौर आपने एक लाइन को एक सेंटेंस को पढ़ा फिर अगला सेंटेंस पढ़ा फिर अगला सेंटेंस पढ़ा फिर अगला बट इन फैक्ट सोशल लाइफ

करंट टॉपिक को पढ़ते हैं जब हम उसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं कई बार ऐसा होता है आप तो पंजाबी मोस्टली स्टूडेंट पंजाबी हम बात स्टार्ट करते हैं किसी के साथ रिश्तेदार के साथ औरतें आपको पता चुगलियां बहुत करती हैं तो वो कहां से स्टार्ट करती हैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करती है किसी एक रिश्तेदार की चुगली स्टार्ट करती है और एंड अप कर देती है सारे रिश्तेदार कवर करके और उनको पता नहीं होता कि हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट कहां से की थी तो दिस इज दिस इज वॉट हैपन इन इंडिया इसी तरीके से जब आप स्टडी करोगे आप किसी पैसेज को पढ़ोगे आपने पहली लाइन पढ़ ली ठीक है कि हमको वी वेन वी थिंक ऑफ इंटेलिजेंट मेम्बर्स ऑफ एनिमल किंगडम तो आपको दिक्कत आई है तो आपने ये चीज पढ़ ली अब आप आगे चले गए फिर आप और आगे चले गए फिर आप और आगे चले गए जब तक आप एंड पे जाओगे आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था एंड एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज ईच इन द पैसेज पैसेज क्योंकि वो आपके लिए फेमिलियर नहीं होगा जब आप एग्जाम में जाओगे ऐसा नहीं है कि आपने वो पैसेज ऑलरेडी पढ़ा होगा और फिर से वो एग्जाम में आ गया ऐसा पैसेज आएगा नहीं राइट सो पैसेज बी फेमिलियर इसके लिए यू कैन नॉट मेमोराइज आप किसी भी पैसेज को याद नहीं कर सकते यू कैन नॉट मेमोराइज अ पैसेज करना क्या है उसके लिए क्या करना है वी विल कम टू टू द द पॉइंट जिसका हमने आंसर करना है हम सवालों के ऊपर आएंगे सवाल पढ़ेंगे उसके बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे लोकेशन ढूंढेंगे मतलब नॉट ओनली सिर्फ वर्ड्स नहीं ढूंढने के अच्छा आंट्स की बात हुई है उनके खाने की बात हुई है आंट्स एंड ईटिंग आंट्स ईटिंग ढूंढ के वहां से ट्राई करते रहे नो वी नीड टू फिगर आउट वट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन के मतलब के ऊपर जाके हमको समझना दमन कौर वेरी गुड इवनिंग रीना देवी वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जी तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुना अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए कोई भी शंका आए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन को मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे का मैं आंसर कर पाऊं कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है तो चलते हैं लेट्स सी द क्वेश्चन सीधा हम क्या करेंगे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे सीधा पैसेज के क्वेश्चन के ऊपर आएंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करने वाले लेट्स गो बिलो एंड सी द क्वेश्चन राइट हेयर हेयर इज क्वेश्चन वन टू सिक्स क्वेश्चन वन टू सिक्स

ट इज दॉपिक ऑफ दी क्वेश्चन मतलब इस सवाल का जो पहला क्वेश्चन पहले छह सवाल हैं क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज दीश ऑफ द्वेश्चन क्वेश्चन का टॉपिक है दैट इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जिन बच्चों को ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती है जल्दी से येस और नो लिखिए क्या आपको ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मुझे बोलते हैं टाइप आई यस अगर आपको ट्रू फॉल्स मुश्किल लगते हैं टाइप आई यस क्विकली जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में एक यस लिख दीजिए अगर आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मुश्किल लगते हैं आपको नॉट गिवन का नहीं पता चलता फॉल्स का नहीं पता चलता तो लोकेशन मिल जाती है लेकिन एग्जैक्ट मतलब नहीं पता चलता टाइप आई यस इन दी कॉमेंट्स कॉमेंट्स में यस लिख के बताइए अमनदीप यस सर ओके okay. आज के बाद नहीं लगेगा ट्रस्ट मी अगर आप आज का सेशन ध्यान से सुनोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगने वाला मुझे जरूर बताए हर बच्चा जिस जिसको मुश्किल है अरमान संधु ओके जानवी ओके अमनदीप ओके ऑल राइट रीना देवी ओके ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ठीक है ओके दीप कोई बात नहीं आप पार्टिसिपेट कीजिए जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे रविंदर सिंह आपको भी मुश्किल लगता है नो वरीज पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए क्वेश्चंस पूछिए जो आपको नहीं समझ लगता वो भी जरूर पूछिए अब ध्यान से देखना कैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को हम सॉल्व करने वाले हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन के ऊपर बाद में आएंगे कि पहले छह क्वेश्चन क्या है और क्या है इसका आंसर हो सकता है ट्राई टू सॉल्व स्टेप स्टेप पहले इज 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 ट्रू ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन ट्रू इज द स्टेटमेंट विच है ना ट्रू इज दिच इज हंड्रेड परसेंट रिलेटेड एंड एकट टूवर्ड्स दैसे की एक ऐसी लाइन दी गई है उसके बारे में पूछा गया कि क्या ये बात सच है क्या ये बात झूठ है या क्या इस बात के बारे में स्पेसिफिकली कोई बात हुई नहीं पैसेज में तो दिस इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन नॉट गिवन ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं में कि ये कैसे पता चलेगा क्योंकि बात हुई होती है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता कि इसका इसको ट्रू बोलेंगे कि फॉल्स बोलेंगे तो आई मेक यू अंडरस्टैंड फॉर श्योर जब अब यहां पे एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूंगा मैं जब किसी स्टेटमेंट में ट्रू हो और उसके साथ कई सारे ट्रू हो आंसर हमेशा दोस्तों आएगा ट्रू जब सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हो दैट मीन कि आपको जो जो पूछा गया क्वेश्चन में जो जो सवाल थे सब कुछ ए टू जी सब कुछ ट्रू होगा जब एक एक चीज ट्रू आएगी सो जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जैसे पैसेज है आज मैंने ब्लू शर्ट पहनी है दिस इज दैसेज राइट दिस इज दिस इज वॉट यू कैन सी ठीक है पिक्चर में आप देख पा रहे हैं आई एम फिरिंग अ ब्लू शर्ट सो आपको स्टेटमेंट गई हरकीरत सिंह इन टूडेज लाइव वोर ब्लू टी शर्ट

वही माध्यम फॉर कम्युनिकेशन बात करने के लिए वही चैनल यूज करती है वही माध्यम यूज करती है एज ह्यूमन डू इंसानों के जैसे जो इंसान यूज करते हैं क्या ये ट्रू है फॉल्स नॉट अगर तो ये सारी चीजें ट्रू हुई फिर तो ये ट्रू आएगा। अगर की बात नहीं हुई, बाकी कुछ और वाला जो ह्यूमंस डू है वो फॉल्स है जब वेन इन एनी गिवन स्टेटमेंट ट्रू के साथ ये दूसरा फॉर्मूला लिख लो दोस्तों फॉल्स आ जाए वेन इन एनी गिवन स्टेटमेंट ट्रू Plus, false. Just give me a second. I think I have an important call. Just give me five seconds. राइट right. जी बिल्कुल दमनप्रीत हर रोज लगेगी क्लास सात बजे की टाइमिंग आपको रहना तैयार विद स्पीकर सिंह डेली लाइव क्लास होगी राइटिंग रीडिंग ट्राई करेंगे दो दिन करें और एक दिन लिस्टिंग एंड स्पीकिंग हम करने की कोशिश करें तो हम क्या कर रहे थे दूसरा फॉर्मूला ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का जब किसी ट्रू के साथ कोई चीज फॉल्स आ जाए जब उन्होंने बोला कि हरकीरत सिंह के लाइव सेशन में उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है अब सब कुछ ठीक है लेकिन ब्लू की जगह रेड शर्ट आ गया स्टेटमेंट में तो अब हरकीरत सिंह भी ट्रू है लाइव सेशन भी हुआ है ये भी ट्रू है लेकिन शर्ट रेड पहनी है ये फॉल्स आ गया जब किसी भी स्टेटमेंट के साथ कितने मर्जी ट्रू हो लेकिन एक भी चीज फॉल्स है एक भी मीनिंग फॉल्स है एक भी मतलब फॉल्स है तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी दैट इज फॉल्स दैट इज फॉल्स अब ब्लू शर्ट भी आ गया लाइव सेशन भी आ गया लेकिन मैंने नहीं किया हरकीरत सिंह ने नहीं सेशन किया वो किया निशान सिंह ने तो अब बात आ गई निशान सिंह की निशान सिंह की बात पैसेज में है ही नहीं पैसेज में हूं चाहे ब्लू पहना हो चाहे वो पहना हो वो ट्रू है लेकिन उसके साथ नॉट गिवन है तो आंसर क्या आएगा देखो जब ट्रू है और उसके साथ एक एक या दो चीज नॉट गिवन है तब क्या आंसर आएगा अब शर्ट भी ब्लू है लाइव सेशन भी हुआ है ये भी ट्रू है ब्लू शर्ट टी शर्ट भी ट्रू है लेकिन बंदा कोई और है पैसेज में बंदा निशान है क्वेश्चन में बंदा है हरकीरत सिंह है तो अब जो निशान है इसकी तो पैसेज में हरकीरत सिंह की तो पैसेज में बात ही नहीं है पैसेज में तो निशान है या जो वट अब लगा लो जो चीज की बात नहीं जितने मर्जी ब्लू शर्ट हो लाइव सेशन हो लेकिन लाइव सेशन हरकीरत सिंह ने लिया निशान ने नहीं निशान की कहीं बात नहीं हुई लाइव सेशन में नॉट गिवन तो जब ट्रू के साथ कोई चीज नॉट गिवन है चाहे जितने मर्जी ट्रू आ जाए जब ट्रू के साथ कोई चीज ऐसी है जो इनरेलीवेंट है जो है ही नहीं पैसेज में या जिसका रेलेवेंस नहीं बनता द होल स्टेटमेंट विल बी नॉट गिवन अब आपको ऐसे फॉर्मूलाज दे रहा हूं अगर आपको ये ध्यान से समझ लिया आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कभी गलत नहीं होंगे ये वादा है मेरा दोस्तों ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कभी गलत नहीं होने दूंगा ध्यान से आज का लाइव सेशन देख लेना ध्यान से इन फॉर्मूलास को समझ लेना अब इन्हीं फॉर्मूलाज को लेके हम अपने क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे जो छह क्वेश्चंस है हमारे पास आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि ये क्वेश्चंस एक्चुअल में कैसे काम में आते हैं आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सो बी रेडी फॉर दैट राइट अब ट्रू के साथ नॉट गिवन आ गया तो नॉट गिवन लेकिन अब कोई चीज फॉल्स है लेकिन उसके साथ एक चीज ऐसी आ रखी है जो नॉट गिवन है तो आंसर क्या होना चाहिए अब फॉल्स कैसा है फॉल्स ऐसा है कि शर्ट जो है वो तो रेड है और बात वो बोल के निशान ने अपने लाइव सेशन में रेड शर्ट पहनी अब निशान तो नॉट गिवन है लाइव सेशन जरूर हुआ है और शर्ट ब्लू है शर्ट फॉल्स है लेकिन निशान नॉट गिवन है सेशन तो हर सिंह ने किया है तो जब किसी फॉल्स के साथ नॉट गिवन आ जाए देन आंसर विल ऑलवेज बी फॉल्स अब वो निशान है या हरकिरत तो उससे हमको क्या लेना जब शर्ट ही ऑपोजिट हो गई शर्ट ही ब्लू की जगह रेड हो गई फॉल्स की खासियत जब दुनिया में जब दुनिया में जब दुनिया में किसी भी रीडिंग से किसी भी सवाल में एक भी पॉइंट एक भी वर्ड एक भी कीवर्ड एक भी मुद्दा एक भी सवाल एक भी छोटा सा पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में फॉल्स मिले पैसेज के साथ रिलेट करते टाइम आपको फॉल्स मिले चाहे उसके साथ सारा सेंटेंस ट्रू हो चाहे उसके साथ सारा सेंटेंस नॉट गिवन हो चाहे उसके साथ सारा सेंटेंस फॉल्स हो जब एक छोटा सा भी फॉल्स आ गया जो नन्ना नन्ना पड़ गया ना जब जब फॉल्स आया तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट विल बी फॉल्स तो इज वेर एवर फॉल्स कम्स एवरीथिंग इज फॉल्स नो डाउन वेर एवर फॉल्स कम्स एवरीथिंग इज फॉल्स सो इक्वल टू फॉल्स नॉट गिवन के साथ फॉल्स आएगा तो फॉल्स ट्रू के साथ नॉट गिवन आएगा नॉट गिवन दिस इज द फॉर्मूला और एट द एंड एक फॉर्मूला जो रहेगा दैट इज इफ यू टेक फॉल्स के साथ अगर फॉल्स है तो दिस इज वेरी श्योर अगर पूरी की पूरी स्टेटमेंटिट अकॉर्डिंग टू दैसेज सो इट बी फॉल्स फॉर्मूलाज ने फार्मूलाज टू अंडरस्टैंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टू नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टू एक्सिक्यूट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लेटमी नो इफ यू अंडरस्टूड दी नो इफ यू अंडरस्टूड द मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये, ये सर नो में अगर आपको फॉर्मूला समझ आए हैं या फॉर्मूला समझ नहीं आए मुझे पता चलना चाहिए बिकॉज आई एम योर ट्यूटर एंड आई शुड नो दैट इफ यू अंडरस्टूड दमूलाज नॉट बिकॉज इफ यू डू अंडरस्टूड देन आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड इफ यू डिट अंड सो वी कैन रिपीट इट एंड आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे आई नीट टू आई नीड रिव्यूज I need true reviews about my teaching so that I can improve or either I can get motivated. So type a yes or no. अगर आपको समझ आए हैं तो yes. अगर समझ नहीं आए तो no. In the comment section अगर आपको formulas के बारे में पता नहीं चला, please comment everybody and share this video with your friends so they can join in and communicate. बातें कर सके हमारे साथ और बहुत सारी value generate करेंगे आज. All right.

थैंक यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रिक्स फॉर एवरीथिंग जो मैंने आपको पहले बोला ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो है ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो है गलत या सही नहीं होती कोई कोई आप आप, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपको कोई टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं यहां पे मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं कोई भी स्ट्रेटजी कोई भी ट्रिक गलत या सही नहीं होती ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज आपको आसान या मुश्किल लगती हैं किसी को मेरी ट्रिक मुश्किल लगेगी किसी को किसी की ट्रिक मुश्किल लगेगी सो so, ट्रिक्स ट्रिक्स आर आर नेवर राइट रॉन्ग और डिफिकल्ट ओके सर प्लीज रिपीट नंबर फॉल्स प्लस नॉट गिवन अगर किसी चीज के साथ फॉल्स है और नॉट गिवन है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मेरे पास एक आईफोन है और दूसरे हाथ में मेरे एंड्रॉइड फोन है लेकिन दूसरे हाथ में मेरे पर्स है एक हाथ में आईफोन दूसरे हाथ में एंड्रॉइड अब

अब मेरे एक हाथ में ये तो आईफोन है ना एक हाथ में आप बोलो मेरे एक हाथ में संतरा है मेरे एक हाथ में संतरा है और दूसरे हाथ की मेरी बात नहीं हुई और लेकिन स्टेटमेंट कह रही है मेरे एक हाथ में संतरा है और दूसरे हाथ में मेरे पर्स है अब दूसरे हाथ में पर्स है कि नहीं है ये तो नॉट गिवन है ये उसका हमको क्या करना लेकिन एक हाथ में मेरे आईफोन है संतरा नहीं है ये फॉल्स हो गया और फॉल्स के साथ जब नॉट गिवन है आंसर विल बी फॉल्स पूरी पूरी स्टेटमेंट नॉट गिवन को हम क्या करेंगे बहुत सारी एग्जाम्पल अवेलेबल होती है ऑल राइट लेट्स मूव फर्दर अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं Now let's solve the questions on behalf of same. यही क्वेश्चंस के ऊपर यही फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर हम सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम सवालों को, को कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करें आपके मन में कोई भी सवाल है अब तक तो मुझे जरूर पूछिए Because time is running, हमको पूरा पैसेज सॉल्व करना है All right, Komal. So, first question, question number one from the passage: Ant intelligence. Question is: Ants use the same channels of communication as humans do. अब आपको समझना है एक-एक word एक पूरे sentence को overall meaning समझना है and word को. अब देखो, ants. What are ants? Ants मतलब कीड़ियाँ. यूज मतलब इस्तेमाल करना किसको द सेम चैनल सेम मतलब माध्यम मीडियम द सेम चैनल चैनल भी बोल सकते हो मीडियम भी बोल सकते हो आंट्स यूज द सेम चैनल मतलब वही चैनल यूज करती हैं ऑफ कम्युनिकेशन किस काम के लिए कम्युनिकेशन के लिए बात बात करने के लिए एज ह्यू डू मतलब कि जो चैनल इंसान यूज करते हैं वही चैनल आंट्स भी यूज करते हैं बातें करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से क्या ये सच है क्या ये झूठ है क्या ये नॉट गिवन है या इसकी बात नहीं हुई या ह्यूमंस की बात नहीं हुई या कम्युनिकेशन की बात नहीं हुई ऐसा हो सकता है कि जरूर करते humans के जैसे यूज करते के लेकिन के लिए ना करते इसका बताया ना हो अगर तो अंडरस्टैंड दिस तो अब चैनल की बात कहां पर हुई है मीडियम की बात कहां पर हुई है, अब हमको ओवरऑल अब ओवरऑल स्टेटमेंट को समझना है एंट यूज दैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस ह्यूम टू आंट्स हैं जो कीड़िया हैं वो सेम मीडियम के साथ कम्युनिकेट बातें करती हैं जैसे इंसान करते हैं उसी तरीके से बातें करती हैं जैसे इंसान करते हैं उसी माध्यम से बातें करती हैं जैसे इंसान करते हैं क्या ये ट्रू है फॉल्स नॉट गिवन हम जाएंगे ऊपर अपने पैसेज पैसेज की तरफ वी वी नीड नीड टू टू सी जहां पे हमने आर्ट इंटेलिजेंस देखा देखा था हमारा देखा था हमारा फिगर आउट कहाँ पे बात हुई है राइट right? तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन बींग की इंसानों की बात हुई है एंड वी नीड टू फिगर आउट राइट ओके ये देखो

जो आंट्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ना हाउ डू दे कम्युनिकेट केमिकल सिग्नल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करती हैं एंड ये जो केमिकल कम्युनिकेशन है अगर इसको डिफाइन करना है कि इंसान कैसे करते हैं कैन बी कंपेयर टू कंपेरिजन किस चीज का होता है दो अलग अलग चीजों का दो अलग अलग चीजों का कंपेरिजन होता है एक चीज का कभी कंपेरिजन नहीं कर सकते हम राइट right? कंपैरिजन होता है दो हमेशा अलग अलग चीजों का वो कहता है कि सच केमिकल कम्युनिकेशन जो केमिकल कम्युनिकेशन है जो माध्यम है केमिकल सिग्नल की वजह से जैसे वो बात करती हैं ये कंपेयर हो सकता है ह्यूमन यूज मतलब कि जो ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी चैनल्स के साथ मतलब कि ह्यूमंस का तरीका है विजुअल देख के एंड ऑडिटरी चैनल्स के माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हैं लेकिन एंडस हैं जो वो कम्युनिकेट करते हैं केमिकल सिग्नल्स की वजह से अब सवाल क्या है अब सवाल की तरफ जाएंगे फिर से हम सी एंट्स यूज सेम केमिकल चैनल सेम चैनल राइट को यूज करती हैं सेम ह्यूम जैसे अब देखो कंपेरिजन हुआ था वो केमिकल चैनल था और ये था विजुअल एंड ऑडियो मतलब सुन के वाला चैनल अब ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई अब ह्यूमंस की तरह वो कम्युनिकेट करती ये चीज फॉल्स हो गई है राइट right? ये एक फॉल्स आ गया अब मैंने आपको बताया था जब किसी भी चीज के में अंदर फॉल्स आंसर विल बी अब आप लोग मुझे बताओगे पढ़ के आपको आंसर क्या लगता है मुझे एक एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए जो इस लाइव वीडियो में है मेरे साथ कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है कंपैरिजन हुआ था ह्यूमन कम्युनिकेशन मीडियम के और आंट के कम्युनिकेशन मीडियम से हर बच्चे का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है आई नीड आंसर्स पीपल आई नीड यू टू कम्युनिकेट विद मी ओके प्रिया रिया सेल्स

वेरी गुड ब्रिलियंट सो सारे ही स्टूडेंट्स का आंसर सही है इसी तरीके से हमको बाकी आंसर मिलेंगे जब हमको फार्मूला पता है कि कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक कर गई कहां पर भी कंपेरिजन हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अगेंस्ट होगी कोई चीज तो सारी के सारी स्टेटमेंट क्या आएगी फॉल्स ब्रिलियंट स्टूडेंट ब्रिलियंट बहुत अच्छे बहुत अच्छे रविंदर राजविंदर बहुत अच्छे अमन बहुत अच्छे दीप निमर अरमान जानवी वेरी गुड और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं आन वी नीड टू फिगर आउट क्या है सिटी लाइफ इज वन फैक्टर दैट इनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को समझेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में तभी हमको सिमिलर वर्ड मिलेंगे और उसके मतलब हमारे दिमाग में परमानेंटली फीड हो गए वेरी लेस्ट टाइम हम जल्दी से स्पीड से आगे बढ़ते हैं सिटी लाइफ इज वन फैक्टर दैट एनकरेजेज वो कहता है शहर की जिंदगी सिटी लाइफ शहर की जिंदगी इज वन फैक्टर एक फैक्टर है फैक्टर होने का मतलब क्या है फैक्टर इज एक मुद्दा एक कारण सिटी लाइफ इज वन फैक्टर शहर की जिंदगी एक कारण है जो मतलब किसी चीज को हौसला अफजाई करना किसी चीज को हौसला देना एनकरेज इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब होशियारी की प्रोग्रेस का कारण है शहर की जिंदगी शहर की जिंदगी एक एक कारण है जो आगे बढ़ाता है डेवलपमेंट करता है इंटेलिजेंस की क्या ये ट्रू है फॉल्स है ये नॉट गिवन है फिगर आउट करेंगे जहां पे सिटी लाइफ की बात हुई है एनकरेजमेंट की बात हुई है डेवलपमेंट की बात हुई है वी नीड टू सी दैट ओके अर्बन लाइफ स्टाइल हेयर वी गो

ठीक है लेकिन होते हैं कि जितने वर्ड कई सारे हैं लेकिन आपका जो मतलब है उस वर्ड्स का वो सेम है तो मतलब हमेशा सेम रहना चाहिए द मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी सेम एग्जैक्टली अर्बन का मतलब होता है सिटी सिटी का मतलब होता है अर्बन डेवेलप्ड एरिया कंट्री साइड विलेज साइड अब इसका ऑपोजिट भी बता देता हूं कंट्री साइड हम बोलते हैं किसको विलेज रूरल एरियाज भी बोल देते हैं रूरल एरिया

उनको अर्बन लाइफस्टाइल का कोई एक्सपोजर नहीं था अब एक्सपोजर अब जब आप रीडिंग कर रहे हो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो जो स्टूडेंट्स लाइव वीडियो में जब आप रीडिंग कर रहे हो ऐसे कई सारे आपके सामने आएंगे जो आपको पता भी हो सकते हैं पता नहीं भी हो सकते उन वर्ड्स को रीडिंग में कहा कैसे यूज किया गया है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ये चीज आपको राइटिंग में हेल्प करेगी जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे अपनी राइटिंग में इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर स्कोर्स व्हाट इज एक्सपोजर एक्सपोजर मींस कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू हम कहते हैं ये चीज़ हो गई, मतलब दलील देने की कोशिश करता है जहां प्री हिस्टोरिक मैन हैड नो एक्सपोजर टू अर्बन लाइफ स्टाइल मतलब की जो पहले का इंसान था जो पहले का इंसान था उसको एक्सपोजर नहीं मिला कोई एक्सपोजर नहीं था उसके पास शहर की जिंदगी तक द फोर्सिंग हाउस ऑफ इंटेलिजेंस मतलब उसने अब शहर की जिंदगी को डिफाइन करने की कोशिश की है शहर की ये अब जो डैश में लगी है ना इसका मतलब है कि वो अर्बन लाइफस्टाइल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कैसे डिफाइन करता है वो कहता है द फोर्सिंग हाउस मतलब कि ये मेन कारण है ये सबसे बड़ा फोर्स है किस चीज का इंटेलिजेंस का नाउ व्हाट ही डज ही से जो राइटर इस पैसेज का वो कहता है अर्बन लाइफ

मतलब इसीलिए वो ज्यादा है तो इसकी रेफरेंस तो है ना वो कहता कहा सिटी लाइफ लाइफ की बात हुई है जी बिल्कुल फैक्टर कारण बताया गया है फोर्सिंग हाउस ठीक है इनकरेजेस मतलब ये फोर्स करता है उसको इनकरेज करता है द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को बढ़ने में अब एक एक चीज हमारी तो मैच करती दिख रही है फैक्टर भी encourage भी एनकरेज करता है किस चीज की डेवलपमेंट इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट सिटीज मतलब अर्बन लाइफ स्टाइल मुझे बताना सेक्शन सेक्शन में comment section में एक एक बच्चा मुझे बताएगा कि क्या आंसर आएगा हमारे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर टू सिटी लाइफ इज वन फैक्टर दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आई नीड टू नो आंसर हर बच्चे की तरफ से मुझे आंसर आना चाहिए मुझे पता चलना चाहिए दैट यू आर रियली टेकिंग पार्ट

जब आपका आंसर इस तरीके का आ रहा है कि आपको यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट राइट अब बहुत बार होगा कि आपका आंसर वो नहीं होगा जो एक्चुअल में लकी आउट करना है कि आपको लगता है? आपको अब आपका आंसर आप करन गलत आ गया आपने बोला अच्छा मेरा आंसर नॉट गिवन है ठीक है अच्छा सर ने समझा दिया ये ट्रू ऐसे है चलो मैं ट्रू लगा देता हूं ऐसे नहीं करना दोस्तों यू फिगर आउट कि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो क्यों हुआ आपने नॉट गिवन क्या सोच के लगाया था आपने नॉट गिवन आंसर क्यों सोचा सो आफ्टर दैट ट्राई टू फिगर आउट कि मैं कहां गलत था मेरी कहां स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम थी ऑल राइट ठीक है तो फिगर आउट वेयर इज द प्रॉब्लम अगर आपको कुछ लगता है काइंडली आस्क मी इन द कमेंट्स राइट चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आज आई थिंक वी विल बी डूइंग ओनली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कल हम राइटिंग करेंगे तो बी रेडी सात बजे शार्प नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आंट्स कैन बिल लार्ज सिटीज मोर क्विकलीन ह्यूमंस डू नाउ क्वेश्चन इज जो आंट्स हैं जो कीड़ियां हैं वो बड़ी शहर बना सकती हैं ज्यादा जल्दी इंसानों से भी बिकॉज दे डोंट से वन फैक्टर और टू ठीक है वन फैक्टर और टू उन्होंने बोला है कि वो एक फैक्टर है लेकिन एक तो डिफाइन हो गया ना वहां पे दैट दिस इज द थिंग ए ए एक फैक्टर तो पूरा क्लियर हो गया ना कि दैट इज द फोर्स बिल्डिंग फोर्स फोर्स मतलब यही सबसे बड़ी है बिल्डिंग फोर्स हाउस दैट इज व्हाई इट इज द वन फैक्टर अगर वहां पे वो लिखा होता कि ये ये फोर्सेस है ये द टू मेजर फोर्स फोर्स हाउसेस फॉर बिल्डिंग इंटेलिजेंस और डेवेलपिंग इंटेलिजेंसी दिस एंड दिस दो तब दो आता

सेकेंड का आंसर जी बिल्कुल 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 ट्रू है सेकेंड का आंसर ट्रू है जी येफिनेटली इट ट्रू डेफिनेटली इट विल बी ट्रू लेट यू कैन चेक आंसर्स ऑल राइट लकी थैंक यू सो मच प्लीज ऐसे अब आप पूछो अब आपको पता चल गया वन फैक्टर की जगह आप कंफ्यूज हुए अब आपको नेक्स्ट टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा यूड रियलाइज सिर्फ आंसर गलत हो गया ओहो हमारा आंसर गलत हो गया सर को पूछते क्या बस सही है सही समझ लिया आपने आंसर डाल दिया दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी टू डू गलत क्यों हुआ इसके लिए भी कारण ढूंढो क्या सोच के मैंने नॉट लगाया क्या सोच के मैंने ये आंसर लगाया उसको भी फिगर आउट करो उसको सॉल्व करो अच्छा ऐसे ये आंसर ऐसे नहीं आना था ऐसे ये आंसर ऐसा आना था ट्राई टू फिगर आउट गो डीपर डिग डीपर सो यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज एंड द लेवल ऑफ लैंग्वेज

We need to read and find it, अगर आपको मिलता है कहीं पे भी इसका आंसर राइट हम्म हम्म All right, we will try to figure out.

All right, uh, students you just uh, see if there is nothing you can find on houses or जल्दी बना सकते हैं nahi bana sakte mostly the it should be there but uh, either we need to see the location हमको देखना पड़ेगा कि वो location exist करती है अगर नहीं करती तो answer can be not given अगर करती है तो कहाँ करती है और कैसे हम उसको देख पाएंगे कोई भी सवाल हो वी नीड टू सी इट वेरी क्लियरली क्योंकि कहीं भी एक मिल, नहीं होना चाहिए यहाँ पे ने बात हो रही है घर बनाने की बात हो रही है और यहाँ पर लेकिन बात घर की नहीं है थिंग इज अबाउट दि सिटीज बड़े बड़ी शहरों की बात हो रही है स्टूडेंट्स विंक वट कैन बी दर अगर आपको इस चीज का आंसर पता है तो प्लीज लेटमी नो

के के साथ। साथ right. so जब आपको आंसर नहीं 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 मिला, मिला, इसके कुछ भी भी मैं तो बोल रहा हूं, ट्रू के साथ कोई भी चीज़ not given हो जाए। अमनदीप, सेंस की बात नहीं है आंट्स कभी भी नहीं बना सकती सर जी सिटीज वो दे आर द सिटीज दैट आंट्स मेक एंड सिटीज दैट मेक उन दोनों का कंपेरिजन आंट्स अपना शहर बनाती हैं। अंडरग्राउंड अपना शहर बनाती है उनके साइज के साथ उनको कंपेयर किया गया इंसानों के साथ से से भी बड़े शहर वो बनाती है या नहीं उसकी बात नहीं हुई नॉट गिवन ठीक है चलते हैं आगे सम आंट्स कैन फाइंड देयर वे बायिंग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड पोजिशन वो कह रहा है कुछ आंट्स एक तो सभी आंट्स की बात नहीं हो रही कुछ आंट्स की बात हो रही है Some can find their way, अपने वे को फाइंड कर सकते हैं। हैं बना के, based on, calculations बनाती किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है वो कैलकुलिस पोजिशन उनकी पोजिशन क्या है समझू सिटीज सिटीज मीन हर इंसानों के लिए शहर कुछ और शहर कुछ और uh, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगीवेलप्लीज अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स को समझना पड़ेगा आपको सम आर्ट कैन फाइंड देर वे बाय मेकिंग कैलकुलस्ड ऑन डिस्टेंस एंड पोजिशन डिस्टेंस एंड पोजिशन के बिहाफ पे कैल्कुलशन बना के अपना रास्ता ढूंढती है इसकी बात कहां पे डिस्टेंस की बात जहां पे भी हुई होगी हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर आपके मन में कोई भी सवाल है राधिका से नॉट गिवन ओके विल सी दैट डिस्टेंस एंड पोजीशन राइट तो कहते रिसर्च कंडक्टेड एट ऑक्सफोर्ड यहां पर मुझे मिल गया नेविगेट नेविगेट वर्ड नेविगेट मतलब वो कैसे कैलकुलेट करती है राइट सो रिसर्च ऑक्सफोर्ड सुसेक्स आप देखोगे आई थिंक इट इज थर्ड लास्ट पैराग्राफ जहां पे शुरू होता है कि जब डेजर्ट आर्ट्स रिटर्न फ्रॉम अगिंग ट्रिप मतलब की जब डेजर्ट आर्ट्स है जो रिटर्न करती है बाहर से जब आती है दे नेविगेट बाई

All right, let's go on question number fifth. Question number fifth, my friends. Let's move, let's move to question number fifth. All right, Harpreet clear, Thank you. Very good. And question number fifth. In one experiment, a experiment, we will straightly find out where is the experiment. For egging teams were able to use their sense of smell to find food. मतलब फूड ढूंढने के लिए फूड ढूंढने के लिए जो बाहर जा रही हैं आंट्स उनको अपनी स्मेल की पावर यूज करनी पड़ती है खाना खाने के लिए खाना को ढूंढने के लिए फाइंड फूड खाने के लिए नहीं फाइंड फूड ढूंढने के लिए तो खाने को ढूंढने के लिए जो फॉरे आंट्स हैं जो टीम्स हैं वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल को स्मेल की सेंस को यूज करती हैं टू फाइंड फूड लेट्स फाइंड आउट वेयर इज दैट हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे फॉरेगिंग की बात हो रही थी वहाँ पे फूड की भी बात हुई होगी राजविंदर ट्रू द लास्ट क्वेश्चन मतलब ठीक यहां पर ध्यान से समझो वो कह रहे हैं ऑफन द फॉरेजर्स प्रोसीडेड मतलब जो फॉरेजर्स है वो प्रोसीड करते हैं एग्जैक्ट स्पॉट मतलब मेज के एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुंच जाती थी जहां पे फूड था जहां पे फूड था अब ये एक टेस्ट में पाया गया ये भी एक जरूरी चीज है प्रोग्राम एक प्रोग्राम एक रिसर्च में ऊपर लिखा है एंड इन अ ट्वेल्व ईयर प्रोग्राम ऑफ वर्क किसने ढूंढा ये रायबाको बा एंड को जो भी नाम है साइंटिस्ट का वट ठीक है तो उन्होंने ये ढूंढा है

Of turns or compass bearing distance message. Okay. यहां पर सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर को यूज किया गया था टू प्रवेंट विच मीन द्मेल के जरिए नहीं आती थी स्मेल के जरिए आती नहीं थी जस्ट प्रवेंशन स्टेटमेंट इज एक्चुअली बींग ऑपोजिट ऑफ वीक है वो प्रोसीड so करते थे एग्जेक्ट स्पॉट पे मतलब एग्जैक्ट स्पॉट पे पहुंच जाते थे जहां पे फूड होता था ठीक है वहां पे प्रिकॉशन होती थी व्हेन दी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट किसी भी माध्यम माध्यम से कॉन्ट्रेक्ट करेगी द होल आंसर विल बी फॉल्स लास्ट क्वेश्चन अब देखो सीधा सीधा बात समझने की बात है इन द कंपनी ऑफ आंट्स अब एक ऐसे की बात हुई होगी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जरूर ऐसे की बात हुई होगी जिसका नाम है इन कंपनी ऑफ एंट्स। अगर यहां कोई ऐसे नहीं मिला हमको जिसका नाम इन कंपनी ऑफ आर्ट्स हो तो फिर तो नॉट गिवन आ गया चाहे ट्रू हो अगर ऐसे नहीं मिला ठीक है हमने ढूंढना ये फ्रेज इन दी कंपनी ऑफ आर्ट्स एक्सप्लोर आर्ट कम्युनिकेशन ठीक है ढूंढना की क्या ये ऐसे का नाम यहां ऊपर दिए गए पैराग्राफ का नाम ये है या पैराग्राफ के अंदर किसी ऐसे ऐसे की बात हुई है जो आंट के के बातचीत करने तरीके को ठीक है? हमको पता है ऊपर हमने पढ़ा था बातचीत के बारे में जब बात हो रही थी आंट्स के, we have studied this already, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ध्यान से पढ़ने का फायदा यही होता है and, uh, ताकि हमको चीजें ज्यादा अच्छे से और बड़ी जल्दी पता चल जाती है हमने यही कहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में अः uh, फर्स्ट क्वेश्चन जब हम कर रहे थे विल जस्ट फाइंड इट इन अ मिनट, दिस इज जी, जीशन डिकम्पोजिशन यहाँ पे कहीं भी, भी बात हुई है देखो का डिकम्पोज तो के ऐसे ही जहां बात कम्युनिकेशन की हो रही है देखो यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है जो कम्युनिकेशन की बात करता है ऐसी की भी बात हुई okay so so sorry arman thank you for informing that was due to live because live band ho gaya tha i think to main keh raha tha ki in the company of aunts bhi hai hamare topic mein question में company of आर्ट्स भी है passage में company of आर्ट्स के topic की बात हुई है और ये एक ऐसे भी है लेकिन ये आर्ट आर्ट के communication को बात चीज को एक्सप्लोर करता है ये चीज नहीं लिखी वहां पर हम लास्ट पेस्ट जब भी पढ़ रहे थे इन दी कंपनियों उसने एडवाइस किया रीडर्स को रीडर्स के साथ बात की हु आस्क फॉर टू डू मतलब जो पूछते हैं जो पूछते हैं कि किचन में जो आंट्स हैं उनके साथ हम क्या करें ठीक है जो पूछते हैं कि जो कहता है वो कहता है कि वॉच वेर यू स्टेप जहां भी आप पैर रखते हो बड़ा ध्यान रखो इन छोटे जीव जंतुओं का भी ध्यान रखो वो एडवाइस करता है कुछ ना कुछ आई थिंक मैं वॉइस इज कमिंग नाउ लेट मी चेक तो वो वो कुछ एडवाइस करता है लेकिन आंट के कम्युनिकेशन की कहीं बात नहीं हुई आंट के कम्युनिकेशन की बात नहीं हुई द ऐसे कोई ऐसे मिला हमको बिल्कुल ऐसे का नाम तो मिला और नाम भी यही है द इन द कंपनी ऑफ आंट्स लेकिन वो आंट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बात एक्सप्लोर करता है या नहीं करता

में अराउंड एक घंटे टाइम हो चुका है जब हम बात कर रहे हैं हमने पांच फॉर्मूला समझे

फंड रेज कर पाए और कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी में जितना हम ज्यादा कर पाएंगे आई होप की सेशन में आज के सेशन ने आपकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई वैल्यू जरूर लेकर आया होगा एंड यू अंडरस्टूड समथिंग आपको कुछ सीखने को मिला अब लास्ट लास्ट मिनट्स इस सेशन के दो मिनट है अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आयल्स के रिलेटेड इमिग्रेशन के रिलेटेड स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो शाम को सात बजे हर रोज यूएलओ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लाइव आएंगे आप हमको ज्वाइन कर सकते हो हर रोज सेम टाइम के ऊपर कल भी शाम शाम को सात बजे हम आएंगे संडे है हम जरूर आएंगे वी विल इन्वेस्ट ईच एंड एवरी हॉलीडे हर एक सेकंड हमारी जिंदगी का हम लोगों के जिंदगी में इन्वेस्ट करेंगे आपके लिए हाजिर रहेंगे अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आखिरी दो मिनट मैं कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा हूं आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है शाम को सात बजे रोज मिलना अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में बात करना दोस्तों को बताना कि वी आर डूइंग दिस थिंग हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर रोज शाम को सात बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं अगर आप मोगा शहर से हो जगराओं से हो बागा पुराना से हो तलवंडी से हो फरीदकोट से हो फिरोजपुर से हो बागा धर्मकोट से हो शाहकोट से हो जीरा से कोटी सेखा से और किसी भी इन आस शहरों से हो यू कैन ऑलवेज कम टू मोगा मोगा में यहाँ हमारे दो ऑफिस है जहां पे आगे आप पढ़ाई कर सकते हो और अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो और एक ऑफिस हमारा धर्मकोट सिटी में जो न्यूली ब्रांच ओपन हुई है और और भी हम ब्रांचेस ओपन करेंगे बिकॉज यू हैल एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग जो पढ़ाई का लेवल हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज मेकिंग अस ग्रो मोर एंड मोर एवरीडे सो शेयर दिस वीडियो ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्टेबल नो जी नो ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट नहीं करता तीन महीने से ज्यादा भी अगर आपका गैप है आज की डेट में आपको बहुत तंग करेगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा आफ्टर ट्वेल्थ डिपेंड्स ऑन विच कंट्री वट इज योर बैंड स्कोर वट इज योर स्कोर इन योर हाई स्कूल तो वो सारी चीजें मैटर करेंगी कोर्स सेलेक्ट करेंगे सात सौ तीस से ज्यादा हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं कैनेडा छब्बीस सौ पांच यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास पूरे दुनिया में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं विच यू कैन अप्लाई थ्रू उटरत सिंह नेम एंड पीपल कॉल मी विद लव स्र सिंह बिकॉज आई अम मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेशनल इंग्लिश ऑथर एंड आई प्रोवाइड यू वैल्यू जो चीज मैं करवा रहा हूँ जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ आई होप मेरा ये दावा है आपसे कि आप कभी भी उस चीज को गलत नहीं करोगे आप समझ गए आपने सीरियसली चीजों को समझ लिया ये मेरा प्रॉमिस है कि आप गलती नहीं करने वाले यू 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 विल विल ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड एंड मूव फॉरवर्ड आई आई होप विश बेस्ट दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अच्छा क्यों लगा अगर अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा क्योंकि अगर तो आपको अच्छा लगा और आप मुझे प्रेज करोगे आप मुझे बताओगे कि आपको क्यों अच्छा लगा उन चीजों के जरिए मेरा हौसला बढ़ेगा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी सो कि आपके लिए लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एसोसिएशन करता रहूं लगातार करता रहूं और अगर आपको अच्छा नहीं नहीं लगा और उसका मुझे कारण बताओगे तो मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग टॉपिक होगा जिसको मैं सीख के आने वाले सेशंस में करूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए मैं करके अपने आप में इंप्रूवमेंट ला कर क्योंकि वी आर टीचर्स बट देर इज ऑलवेज स्कोप हम हमेशा स्पेस रखते हैं सीखने की वी ऑलवेज लर्न अपनी जिंदगी में हम हमेशा सीखते रहते हैं so overall six eligible for canada eligible for non-sds category but you need to see non-sds category ka visa ratio is very lower these days you are one and only sir thank you Rina devi thank you thank you so much any any other questions because that will give us and my team inspiration to do more sessions as such and i got it will provide us the scope of improvements in upcoming sessions राजविंदर बी आई एम सैटिस्फाइड थैंक यू सो मच राजविंदर एनी क्वेश्चन पीपल एनी क्वेश्चन लीव माई नंबर कॉमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर लीव कर रहा हूँ अगर आपको कोई भी फिर से बात करनी है प्लीज डोंट कॉल मेरे नंबर पर कॉल मत कीजिए बिकॉज बारह सौ से पंद्रह सौ कॉल मुझे हर रोज आती है यूएनओ के लिए इमिग्रेशन के लिए वीजाज के लिए तो प्लीज डोंट कॉल तो अगर आपको जो भी इंक्वायरी है वॉइस मैसेज डाल दीजिए मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप

हर बच्चा चाहिए सात बजे राइटिंग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल हम करेंगे टास्क टू टास्क कैसे करना है क्या वर्ड्स यूज करने हैं कैसे आइडियाज कैसे स्ट्रक्चर्स कैसे चीजें करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे और करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे आप बैंड स्कोर हासिल करोगे मेरे साथ बने रहोगे एक महीना डेढ़ महीना आपके बैंड स्कोर जरूर आएंगे ये मेरा दावा है आप बने रहिए इस चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हरकीरत सिंह सेखो स्पीकर सिंह के साथ जुड़ने के लिए आई होप यू लाइक दिस सेशन आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन कांडली सब्सक्राइब द एंड आई आल सी यू